हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया में एक ही रिलीजन जो सबको अपना मानता, थाई पीएम स्टेटमेंट पाक सुन। ओ थाईलैंड, थाई मींस थाईलैंड, थाईलैंड। ओ थाईलैंड के पीएम ने बोला है, बुद्धिस्ट है वहां पे और एक समय पे ऑफ कोर्स हिंदुइज्म तो था ही वहां। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब करने ना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके वहां पे भी रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर दुनिया में तुम्हारे हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरु हो सकते हैं। कण कण की बात कर रहा है, इतनी पीस, कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर। तुम होश करो। और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सिविल देख लें, जो भी इदारा देखे वो हमसे बहुत आगे हैं। चीनी हुकूमत जो है वो मुसाजिद खत्म करने में मसरूफ है, ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200-300-400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सामा शांति रेडी ओम शांति शांति शांति, क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थावेसिनी ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। थाई प्राइम मिनिस्टर ने आशा जताई है कि उथल पुथल से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सके। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक थाईलैंड प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित हिंदू की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। विश्व में हिंदुओं को एक प्रगतिशील और प्रतिभा संपन्न समाज के रूप में पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ही इस भव्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। सभा में थाई प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे मैसेज को पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की भारत से भौगोलिक दूरी जो भी हो, लेकिन हिंदू धर्म के सत्य और सद्भाव के सिद्धांतों का हमेशा से आदर बना रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया थाईलैंड के प्रधानमंत्री की हिंदू धर्म को लेकर दिए गए इस बयान से सकते में है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन दुनिया है, के अंदर वैल्यूज मतलब दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरु हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सब पढ़ाया हुआ उसे। देखिए, मैं मुझे लगता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म का सीखो तो चाइना के फोक रिलीजन को फॉलो करोगे। वो जरा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि हम खुद, मैं खुद राजपूत हूँ, एक किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीजें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है तो लोग, हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं जी, अमेरिका ऊपर जा रहा तो हम वहाँ के वीजे ले, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो बड़े मतलबी लोग हैं ये, वो यही है कि बड़ी गंदी सोच है। फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी
वो चेंज हो गई हर चीज को लेके। वक्त की? अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। तुम लोगों अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे 90s में जाएंगे नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान से पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में थी? आज अच्छा। हम अपनी वैल्यूज को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाह वाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा तुम्हारी सोच सुन के वाह वाही होती है कि तुम्हारी सोच कैसी और इंडियंस की सोच कैसी है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं 15 दिन पहले इत्तमाम शुरू होते हैं, दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज क्यों नहीं मिलती? मिलती मुझे जो नजर आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसकी जो उसका इंटेंट है, अगर पाकिस्तानी है इसका मतलब लड़की, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग क्यों रही है इतना। और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड इफ आई मे से सो। और वो बात को कम्युनिकेट करने में बहुत सफल हुए। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, बिकॉज मार्च में तो इंडियन है शुरू हो जाना चाहिए, नवंबर में भी जी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी हो का मजा ले रहे हैं, कुछ भी बोल गए। अब 3 महीने में आप देख रहे हैं मोदी जी के पास जो भी है, चाइना को भी जीतने वाले, जो करना था वो कर चुके हैं। और मेरा ये इंस्टिंक्ट है, तार उन्होंने ठोक दिए, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तीसरे टर्म के लिए। और जब मोदी जी ने कह दिया कि वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए, तो लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए। कॉन्फिडेंस है भाई उनको अपने अंदर, अपने एक्शन का, कर्मों का। आपको कॉन्फिडेंस और घमंड में अंतर होता है कि घमंड जो होता है वो बिना किसी बेस के होता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है। और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही है, वो ये लड़की जिसको हमने देखा था लीडर मान रही है। और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, व्हिच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है ये मोदी डर के बोल रही है, अदर देन चाइना जी करेंगे वो गिफ्ट। तो हमने देखा एक तरफ इसराइल के साथ इसराइल, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फलस्तीन को भी एड जा रही है, फलस्तीन की भी मदद हो रही है, वहां के जो मजलूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल तो फिर क्यों बात कर रहे हैं? वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड, फ्यू इयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today naya Pakistan is and where naya Bharat stands. भैया ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, और मैं तो कहती हूँ ज़्यादा इन लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा भी अपना लेवल भी नीचे जाता जाता है। क्योंकि देखो इन्होंने भी कई ऐसी बातें कर दी इंडियनों के जो हमें शोभा नहीं देती, कि हम जैसे बोलते हैं ना वो जैसे झाड़ पे चढ़ जाते हैं वैसे, कि भैया इंडिया के खाली पीएम नहीं है वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर हैं। भैया कुछ सोच के बोलना चाहिए हमें, वी आर इंडियंस, कुछ डिफरेंशिएट रखें भैया कि पाकिस्तान ने सारे एनिमीज को खत्म कर दिया, चाइना इज ऐसे नहीं, बहुत हमें अभी रीच करना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी कॉम्पिटिशन जिनसे करना है वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। एक न्यूज़ आई थी कि US जो है ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहा है चाइना को, और पता लगा चाइना ने जितने भी उसके एयरपोर्ट बेसिस थे जो ताइवान से पास थे सारे अपग्रेड कर दिए 5 साल के अंदर अंदर। देखा वही तो, वो कह रहे हैं कि चाइना ने बिल्कुल, जैसे लोग सोच रहे हैं ना कि USA के चिल्लाने से चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान पे, ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है। ये दिखा रहे थे ये ताइवान है और ये लैंड है उनका मास, सारे एयरपोर्ट्स को स्कैन करो, सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं कि पहले क्या था अब क्या है, तो दिखा रहे हैं इतना ज़बरदस्त अपग्रेड किया है कि
वो रेडी हो रहे हैं अटैक करने के लिए ताइवान को, या एटलीस्ट दिखा रहे हैं कि वी आर रेडी कि हम कभी भी ले सकते हैं. तो इतना कुछ वो कर रहे हैं, दुनिया भर ने चिल्ला दिया, कुछ नहीं होता उनको. सो एनिमी को कंटेन, चाइना को कोई कंटेन नहीं कर पा रहा है. उसके लिए जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी तब होपफुली कुछ कंटेनमेंट होगा. मगर मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है. oh, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा, डिपेंड करता है लोगों पे. मोदी जी ये नहीं कह रहे, जो लोग होपफुली समझदार हों वोट करें, मोदी जी जीते. अगर समझदार नहीं होंगे तो आई डोंट नो. नहीं है समझदार, मैं बताती हूँ क्यों. हमने अभी एक वीडियो किया था राहुल गांधी का रोस्टिंग वीडियो, ओए होए, उसमें सारे राहुल गांधी के फैन आके लिख रहे हैं और क्या अजीब अजीब लिख रहे हैं. तो वो तो सुन के मैं पढ़ के हैरान हो रही हूँ. मोदी जी के अगेंस्ट राहुल गांधी जी से बड़ा प्यार है जी उनको. मैंने कहा वाह रे, ऐसे भी लोग हैं, क्या बोला जा सकता है. उनमें कमेंट सेक्शन में जाके देखना कि भैया क्या लोगों का माइंड सेट है. उनको ये लगता है मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है. मैं देख के हैरान होती हूँ कि हम बाहर बैठे हुए जो है एक इंडिया की ट्रिप लगा के हम इंप्रेस हुए. जो जो हमने मेन चीजें देखी, जहां पे मोदी जी ने काम किया वहां पे हम देख के वाओ बोले, जहां मोदी जी ने को नहीं उनका वहां पे वो ही जो हम लोग 50 साल 20 साल पहले था वैसे का वैसा वो एरिया है. तो मैं हैरान होती हूँ कि इंडिया में रहने वालों की ऐसी सोच कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है. भैया फिर तो तुम मत वोट दो. तुमको जो जिस टाइप का देश फिर उसके बाद मिलेगा ना, तुम उसी के लायक हो. मैं तो बोलूंगी उसी के लायक हो. जनता के इंटेलेक्ट से डिपेंड करेगा कौन लीडर आता है. अगर मोदी जी को नहीं जिताया तो जो देश जब बनेगा ना उसी देश के लिए तुम लायक हो. तुम उसी को डिजर्व, वो देश वैसा ही देश डिजर्व करते हो. मैं बहुत बताऊंगी, ब्लंटली बोल रही हूँ मैं. तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.